बड़ी खबर इस वक्त की, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दो दिन के भारत दौरे पर हैं। हैदराबाद हाउस में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान दोनों के बीच G20 बैठक को लेकर भी बातचीत हुई। वहीं पीएम किशिदा ने पीएम मोदी को G7 में आने का न्योता भी दिया है। दोनों देशों के बीच डिजिटल पार्टनरशिप और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई है। भारत दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में भारत के और जापान के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। लेकिन खास बात यह, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते और कई अहम मुद्दों पर प्रोजेक्ट पर काम साथ मिलकर करने को लेकर भी सहमति बनी है। और ये इसीलिए भी एक बेहद अहम मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि G20 की बैठक को लेकर इस पर चर्चा हुई है और G7 के लिए भी निमंत्रण पीएम मोदी को दिया गया। जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और आज की मुलाकात में दोनों ही देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस लिहाज से यह बैठक और मुलाकात बेहद अहम। भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फुजी नाम का थीम चुना है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक बेहद अहम मुलाकात की, लेकिन बेहद गर्म जोशी के साथ जापान के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच बेहद अहम मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बातचीत भी हुई, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भविष्य में दोनों देश मिलकर किस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और दुनिया जिसे एक उम्मीद भरी निगाह से देख रही है, इसके बारे में विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 का न्योता भी जापान के प्रधानमंत्री ने दिया।